हेलो एंड वेलकम। आज की द लीडर स्टोरी में हम आज बात करेंगे ई व्हीकल पर। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज हमारे साथ है ऑटोमोबाइल क्षेत्र के श्री अनिल दुगड़ जी, जो अपने अनुभव साझा करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के। बट आज बात करेंगे ई व्हीकल पर। ई व्हीकल जो आजकल ट्रेंड में है, लोग खरीद रहे हैं, लोग उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। हमारा पहला सवाल है, मेरा ये मानना है कि दो पहिया और चार पहिया में भारत उत्पादन में 5वें नंबर पर है। अभी परिवहन की बात करते हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, लोगों की जेब खाली हो रही है और समझ में नहीं आ रहा है कि कमाएं और पेट्रोल में भरे, इसलिए एक ऑप्शन आया है ई व्हीकल का। ई व्हीकल पर सर बताइए कि क्या भविष्य और क्या आगे संभावनाएं हैं इसकी। नमस्कार जी, ई व्हीकल पे काफी अच्छी संभावना है। आने वाले समय में ई व्हीकल काफी अच्छा सेल होगा और पर्यावरण काफी साफ सुथरा रहेगा। पर्यावरण के लिए ई व्हीकल काफी लाभदायक भी है, उसमें पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता है, उस कारण से ई व्हीकल का भविष्य अच्छा है। नितिन गडकरी जी के हिसाब से ई व्हीकल का बाजार 2030 से काफी स्पीड में बढ़ेगा। 2025 से 2030 ई व्हीकल का वर्ष रहेगा। अच्छा, इतना समय लगेगा इसको? समय लगेगा। अच्छा, अभी आज के इस परिस्थिति में भारत में लगभग 3% के आसपास ई व्हीकल बिक रही है। जितने भी ऑटोमोबाइल के टू व्हीलर का सेल है जी, उसमें 3% के लगभग ई व्हीकल का सेल है अभी। अच्छा। और भारत वर्ष में लगभग 12 लाख व्हीकल महीने की बिकती है टू व्हीलर। टू व्हीलर का सेल 12 लाख है, उसमें 5% के आसपास ईवी का सेल है। ईवी का सेल है। अच्छा, ये जो ई व्हीकल है, मुझे लगता है कि इसमें ऑटो कोई पार्ट्स है नहीं, कोई इंजन है नहीं, सब चीजें हैं, पर महंगे क्यों है इतने? ये अभी इनिशियल स्टेज पे है, अभी हर कंपनी लर्निंग कर रही है कैसे हम इसको कॉस्ट कम करें। अभी प्रोडक्शन काफी कम है, इसलिए गाड़ी काफी महंगी है और गाड़ी में क्वालिटी सुधारने की काफी जरूरत है। जैसे ऑटोमोबाइल व्हीकल के लिए पूना में ARAI है, वहाँ हर मापदंड पे व्हीकल चेक होती है जी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की अभी वहाँ पे शायद चेकअप सुविधा स्टार्ट नहीं हुई है। अगर वहाँ से पूना से ARAI से पास होके आएगी तो क्वालिटी काफी अच्छी सुधरेगी। अभी काफी कंपनियां इस लाइन में आ रही है, जैसे एग्जाम्पल TVS है, बजाज है, एथर है और बेंगलोर की प्योर कंपनी है, ओला कंपनी है, ऐसे बहुत सारी कंपनी इसमें अभी आ रही है। लगभग 250 से 300 मैन्युफैक्चरर इसमें आ रहे हैं और फ्यूचर भविष्य इसका काफी अच्छा रहेगा। और इसमें गवर्नमेंट के तरफ से भी सुविधा चाहिए, बैटरी चार्जिंग स्टेशन चाहिए। अभी बैटरी चार्जिंग स्टेशन की सुविधा नहीं है, जैसे जैसे चार्जिंग सुविधा बढ़ेगी, बैटरी की कीमत कम होगी तो वैसे वैसे उसका सेल बढ़ेगा। अभी हर चीज में इनिशियली कॉस्ट ज्यादा आ रहा है क्योंकि हर आदमी अभी सीख रहा है, लर्निंग स्टेज पर। अभी ईवी का इंडस्ट्री लर्निंग स्टेज पे है। पिछले साल के बनिस्पत इस साल लगभग 5 गुना सेल बढ़ा है ईवी का, 5 गुना, क्योंकि वॉल्यूम फिगर कम था। पहले 5,000 महीने की बिकती थी, आज की तारीख में 50,000 महीने की बिक्री। अभी अभी दो पहिया की बात कर रहे हैं हम। दो पहिया की बात कर रहे हैं, दो पहिया 50,000 व्हीकल के लगभग बिक रहा है अभी शहर में, पूरा वर्ल्ड इंडिया में। अच्छा, इंडिया में 50,000 व्हीकल है जो RTO में रजिस्टर्ड हो रहे हैं। ठीक बात। ये रजिस्टर्ड व्हीकल की संख्या है, अनरजिस्टर्ड व्हीकल भी काफी है, उसको गिन नहीं सकते हैं और उसमें भी सेल कम है। अभी आज की तारीख में देखेंगे तो ओला नंबर 1 पे चल रहा है। पिछले महीने के हिसाब से ओला का सेल सबसे ज्यादा था भारतवर्ष में। ठीक बात है। और TVS भी अपना कुछ लॉन्च कर रहा है, TVS iQube लॉन्च कर रहा है। अच्छा। बजाज चेतक लॉन्च कर रहा है। अच्छा। और एथर का लॉन्च अभी हो गया है। अभी ये सब थोड़े पार्ट्स से भी जूझ रहे हैं, इनके पास पार्ट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। लिथेनियम भी अवेलेबिलिटी कम है। अच्छा। अभी जैसे जैसे लिथेनियम की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे बैटरी की प्राइस कम होगी, व्हीकल की प्राइस कम होगी। और नितिन गडकरी जी का भी एक एम है कि भारत वर्ष में जो भी बैटरी वाली व्हीकल है वो पेट्रोल वाली व्हीकल की कीमत के आसपास आए, ताकि लोगों को खरीदने में ज्यादा महंगा ना लगे। पेट्रोल की गाड़ियां भी 1 लाख से कम तो आती नहीं है। हाँ, 1 लाख के आसपास है। तो अभी बैटरी वाली व्हीकल भी 1.5 लाख से 1,60,000 के बीच में है जी। तो इसमें भी कीमत कम कैसे हो सकता है, उस पर सबकी वर्किंग चल रही है। अच्छा, तो हम कैसे इसकी कीमत को थोड़ा कम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद सके। ठीक बात। और इसपे अभी फाइनेंस व्यवस्था नहीं है, लोगों को फाइनेंस नहीं मिल रहा है इसपे। अगर फाइनेंस मिलेगा तो इसकी स्पीड और खरीदने की बढ़ जाएगी। लेकिन सर मेरा एक मानना है कि जब ई व्हीकल बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन बढ़ेगा, तो क्या सरकार इलेक्ट्रिक उत्पादन में भी जोर दे रही है? हाँ, इलेक्ट्रिक उत्पादन में जोर देना चाहिए। ऐसा सुनने में आता है कि जैसे भारत वर्ष में 70 साल 75 साल मनाने वाले हैं हम, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी
समस्या है, गर्मियों में ज्यादा इलेक्ट्रिक ज्यादा लग गई वापस, तो इलेक्ट्रिक सुविधा चाहिए प्लस चार्जिंग स्टेशन चाहिए। ठीक बात। और अभी इसमें गवर्नमेंट एक नॉर्म्स और ला रही है, बैटरी आपको किराए पे मिलेगी, आपको बैटरी ना चार्ज करना पड़ेगा ना खरीदना पड़ेगा। आप इसको स्वैपिंग पॉलिसी एक आने वाली है फ्यूचर में, एक दो साल के अंदर अंदर स्वैपिंग पॉलिसी आएगी, तब आपका बजट उससे मैच हो सकता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब जैसे पेट्रोल बढ़ गया, तो जब जब हम सभी लोग इलेक्ट्रिक पर आ जाएंगे, सबके पास वाहन अपने अपने रहेंगे, तो इलेक्ट्रिक भी मुझे लगता है 10 रुपए यूनिट होगा तो वो 25 रुपए यूनिट तक पहुंच जाएगा। हाँ, सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो इलेक्ट्रिक का कॉस्ट बढ़ेगा, बैटरी का कॉस्ट जो नहीं बढ़ना चाहिए, जो अगर हम इलेक्ट्रिक पर जा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक तो हमारे यहाँ सरकार बना सकती है, ज्यादा बना सकती है, तो इलेक्ट्रिक के जो पर यूनिट अगर 25 रुपए हम बाद में सब लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक, और 25 रुपए तक भी हो जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं तो वापस से वहीं आ जाएंगे ना जहाँ थे हम। हाँ, तो इसमें अभी ऐसा है कि अभी एक ऐसा प्लान है कि ये जो भी व्हीकल ईवी बिकेगी लगभग 25% के आसपास बिकेगी। अगर 100 व्हीकल ऑटोमोबाइल में बिक रहा है तो 25% तक ईवी का सेल रहेगा। अच्छा, 75% टू व्हीलर पेट्रोल वाला ही रहेगा, पेट्रोल व्हीकल ही रहेगी। अभी इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में 6ठी बार नंबर 1 आने के प्रयासरत है, और क्योंकि ई व्हीकल का भी उसका बड़ा योगदान रहेगा आगे जाकर पर्यावरण के हित में, लेकिन अभी हमारे इंदौर में तो बसें भी चलना शुरू हो गई है बैटरी वाली है ना। Yes. तो परिवहन में कहीं ना कहीं उन इलेक्ट्रिक का योगदान भी है हमारा। तो बैटरी इलेक्ट्रिक बस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लाया कि इलेक्ट्रिक बस चल रही है, उससे पॉल्यूशन कम हो रहा है, धुआं कम हो रहा है, ट्रैफिक पे भी व्हीकल का पॉल्यूशन नहीं होता है, पॉल्यूशन कंट्रोल काफी अच्छा रहा। इंदौर में लगभग 25 से 30 बस चल रही है, और अभी आने वाले समय में 100 बस और ऐड होने वाली है इसके अंदर। अभी 2-3 दिन पहले इंदौर भोपाल के बीच में भी इलेक्ट्रिक बस चालू हुई है। अच्छा। जिसकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए, बस की एक बस की कीमत 2.5 करोड़ रुपए है। अच्छा, अभी 3 दिन पहले स्टार्ट हुई है इंदौर भोपाल। पूछते हैं सर, आपका ऑटोमोबाइल में सफर कितना पुराना है? नमस्कार जी, मैं ऑटोमोबाइल में 40 इयर्स के लगभग मेरा एक्सपीरियंस है। 2 साल कलकत्ता में वर्क किया, बाकी 38 इयर्स से मैं इंदौर में हूँ। लगभग 40 साल से ऑटोमोबाइल में अपना सेवा दे रहा हूँ या काम कर रहा हूँ ऑटोमोबाइल में। अच्छा अच्छा, और आपके जो कुछ अच्छे अनुभव बताइए शहर के। जब मैं इंदौर शहर में आया था तब इंदौर शहर में काफी कम ट्रैफिक था। अच्छा। काफी कम कार्स वगैरह थी, टू व्हीलर्स का नाम काफी अच्छा है जी। आज की तारीख में इंदौर टाउन ऐसा है जहाँ सबसे ज्यादा टू व्हीलर है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा टू व्हीलर टाउन इंदौर है आज की तारीख। अरे वाह। ठीक बात है। और मुझे लगता है कि जो पहले मोफेट का जमाना था, और उस टाइम आपने चैंप है ना, टीवीएस की चैंप से स्टार्ट हुआ था। पहले भारतवर्ष में सिंगल सीटर व्हीकल आती थी लूना, उसके बाद टीवीएस ने डबल सीटर मोपेड बनाई, मोपेड के बाद स्कूटर आया, मोटरसाइकिल आया, काफी रेंज आ रहे हैं। मतलब हर कस्टमर की सुविधा अनुसार व्हीकल है, जरूरत के हिसाब से अपनी अपनी वाहन है। मुझे लगता है कि आपने स्कूटी भी सबसे ज्यादा बेची है। हाँ, स्कूटी भी सबसे ज्यादा सेल है, स्कूटी काफी पसंद कर रहे हैं महिलाएं, बच्चे, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, काफी लोग अपने व्हीकल यूज कर रहे हैं। दोस्तों, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है किसी का, क्योंकि ये व्यक्ति उस क्षेत्र से आते हैं और उनमें डील करते हैं। तो एक छोटा सा चलते चलते उनका एक छोटा सा शॉर्ट रहा है। ई व्हीकल पर अभी बहुत सारे मिथक है, अपार संभावनाएं इसमें है ई व्हीकल पर, और हर व्यक्ति के घर में भविष्य में ई व्हीकल रहेगा, चाहेगा वो भी इंदौर शहर की चकाचक रोड पर घूमे, पोल्यूशन में उसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, और अपने घर में खुद का चार्जिंग स्टेशन रहेगा। तो आज का जो चर्चा है ई व्हीकल पर, आगे भी हम लोग करते रहेंगे। आज हमारे साथ थे अनिल दुगड़ जी, नमस्कार। आप हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे? नमस्कार जी, इंदौर शहर काफी स्वच्छ शहर है और लगातार 5 साल से नंबर 1 आ रहा है। इंदौर पूरे वर्ल्ड में नाम फेमस कर रहा है, 6ठी बार भी इंदौर नंबर 1 आएगा। पर्यावरण साफ सुथरा रहे, हर घर में इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चार्जिंग की सुविधा हो, इंदौर की सड़कें भी काफी अच्छी है, अच्छी सड़कों पे अच्छी व्हीकल चले और इंदौर शहर लोकल में चले तो पॉल्यूशन और कम होगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि हम इंदौर का वातावरण अच्छा रखें, पॉल्यूशन फ्री रखें, और इंदौर का वातावरण काफी अच्छा है पूरे इंडिया में। ठीक बात है। तो दर्शकों, इस चैनल को हम लोग अलग अलग वैरायटीज में सब लोगों से मिलवाते हैं और अलग अलग फ्लेवर में सब चीजें लेके आते हैं। प्रयास करें, इसको सब्सक्राइब करें,
इस चैनल को शेयर भी करें और हमारे इंदौर शहर का नाम करें। धन्यवाद।